सो वाई शुड नॉट फाइट ऑन सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया पे कोई नई बात नहीं यार, किसी की फाइट्स होती रहती हैं। इवन मैंने भी एक्सपीरियंस किया, बहुत सारे आप लोग जो है ना वो एक्सपीरियंस करते होंगे। सोशल मीडिया पर होता क्या है कि कोई ना एक तस्वीर लगाता है किसी एक पॉलिटिकल लीडर की या किसी और चीज़ की या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी फोटो हो जाए, ठीक है, तो लोग अपनी राय का इजहार करते हैं इमोजीज के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू। तो होता क्या है कि जो तो उसको पता मतलब कि पसंद कर रहे होते हैं ना उस शख्सियत को, जो भी है एक्टर, तो जो उस चीज़ के ख़िलाफ़ होते हैं ना वो कमेंट करते हैं। फिर एक को जो जो पोस्ट करने वाला होता है वो कमेंट पढ़ता है, और फिर जो उसके ख़िलाफ़ जो किसी को चीज़ पसंद ही ना आती हो तो वो उसको उस कमेंट का रिप्लाई देता है। तो इस तरह होता है कि थोड़ी इंगेज होनी शुरू हो जाती है बातचीत। फिर वो ऐसे करता है, नहीं यार ये तो ऐसा, फिर हम कह रहे उसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए कहते हैं, नहीं यार ये ऐसा है, और फिर इस तरह ना एक हम अपने आप अपने ओपिनियन को ठीक करते करते जो है ना उसे हम एक घमासान युद्ध में जो है ना वो तब्दील कर देते हैं, यानी कि एक लड़ाई में तब्दील कर देते हैं। तो उसे जो है ना फाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो एक तो वो करेगा कि यार ठीक हो गया जी, मैंने तो इसको बड़ा अच्छा सबक सिखाया है, मैंने अपने ऐसे ऐसे कमेंट करके इसका तो मुंह बंद करूंगा मैं, ऐसे इसको छोड़ूंगा तो नहीं, किसी से भी जरूरत को छोड़ूंगा नहीं मैं। तो कमेंट बढ़ती रहती है। अब वो एक तो ये लोग ऐसे होते हैं ना जिनको एक मज़ा आता है, अंदर से एक फीलिंग आती है, एक चस्का आता है कि भाई ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और जवाब दूंगा, ये और मतलब कि थोड़ी सी इसको चिंगारी लगेगी, योग आग भड़केगी, तो जल्दी पर तेल छिड़कने का काम इनको बखूबी आता है। तो असल में ये चीज़ मेरे साथ काफ़ी बार हो चुकी है। तो एंड में, इन द एंड, मैं कोशिश यही करूँगा कि उसको जवाब ना दूँ। आई नो ऐसा कोई कमेंट करे तो अंदर से एक आग सी भड़कनी शुरू हो जाती है ना कि यार इसने ऐसी बात बोली है तो बोली क्यों है, मैं इसको जवाब दूंगा, बगैर जवाब दिए बगैर मैं रहूँगा नहीं, किसी भी सूरत में इसको जवाब दिए बगैर नहीं रहूँगा। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये लोग चाहते ही ऐसा एक मज़ा है जिसमें जो है ना एक मज़ा क्रिएट हो और हम जो है ना वो इसको ऐसे ही करते रहें, ये कन्वर्सेशन लंबी चलती रहे। तो इन दैट केस आपको लगा जी आपने कोई पोस्ट की, आपने कोई वीडियो की, आप एक वीडियो के क्रिएटर वगैरह जो भी, आपने कोई भी एक पोस्ट की, उस पर आपने उस पर लोग आ जाते हैं जी ये ऐसा है, नहीं ऐसा है, ठीक है, तो आप ऐसा करो ना कि उसको देख कर इग्नोर कर दो। स्पेशली ये जो मैं आगे देख रहा हूँ जो यूट्यूबर्स हैं ना, तो उनको ऐसी मिलता रहता है, ऐसी डिफरेंट ओपिनियन मिलता रहता है कि यार तेरे को कदर नहीं है वीडियोज़ की, तो ऐसे फजूल में बनाता रहता है, ये तो वैसे ही है, तुमने गलत कहा है, ये कहा है, वो कहा है, बी क्वाइट। जब आप चुप रहोगे ना, यकीन मानना उस बंदे को इतनी कलप चढ़ेगी, मतलब इतना वो एक अंदर से गुस्से में होकर यार ये रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा। तो उस बंदे को भी ना थोड़ा सा एक मिर्ची मसाला लगाओ, चुप रह के करता रहे बोलता रहे, हमें क्या इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जितना आप चुप रहोगे ना, जितना आप इन लोगों को जवाब नहीं दोगे तो उतनी ये फाइट इंक्रीज़ नहीं होती। तो जितना आप मतलब जवाब देना शुरू कर दोगे उतने आप खुद ही मतलब कि आपको फिर बाद में ये एहसास होता है बंदे को, यार काश मैंने रिप्लाई ना किया तो जवाब नहीं दिया होगा, ये चीज़ इतनी बढ़ती ना। तो रिप्लाई देने से पहले सोच लिया करो कि आया ये फाइट आगे, मतलब कि मेरे रिप्लाई देने से करने से आगे होगा क्या। तो विद दैट बींग सेट, आप सोशल मीडिया पर फाइट्स ना किया करें, कोई भी बकवास करे ना उसको भोंकने दो, ठीक है, जस्ट रिपोर्ट दैट कमेंट और रिमूव। आप तो आप शॉप ऑप्शन वगैरह भी आ गए कि आप कमेंट वगैरह को रिमूव भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो फाइट्स को आपने कैरी ऑन नहीं करना है सोशल मीडिया पे, उस कमेंट्स का रिप्लाई ना दो। तो उम्मीद आप लोगों को जो है ना वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर कर देना, एज ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।